जनवरी यानी आज भारतीय थल सेना ने आर्मी डे के रूप में अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर राजधानी दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में सेना दिवस परेड का आयोजन हुआ। थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे परेड की सलामी उन्होंने ली और सैनिकों को संबोधित भी किया। वहीं PM मोदी ने ट्वीट कर सेना की वीरता को सलाम किया। सेना दिवस के मौके पर देश के पश्चिमी सरहद से सटे जैसलमेर जिले में चल रही शूटिंग के वक्त निकालकर अभिनेता अक्षय कुमार और कृति सेनन जवानों के बीच पहुंच गए। दोनों ने वहां जवानों का उत्साह बढ़ाया और इस मौके पर आयोजित की गई विजय रन फॉर सोल्जर मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। अभिनेत्री कृति सेनन और फिल्म स्टार अक्षय कुमार इन दोनों जैसलमेर में अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग बच्चन पांडे की शूटिंग में व्यस्त हैं। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने जवानों की हौसला अफजाई के लिए उनके साथ एक मैत्री वॉलीबॉल मैच भी खेला। अपने पसंदीदा अभिनेता को अपने बीच पाकर सेना के जवानों ने भी अपनी खुशी का इजहार किया है। जवानों ने आर्मी स्टेशन के सगत सिंह स्टेडियम में दोनों कलाकारों का गर्मजोशी से स्वागत किया। आप लोग हैं तो हम हैं। इट इज इंपॉर्टेंट कि मैं आप लोग को यह जाहिर करूं कि मेरे लिए एक इंसान यूनिफॉर्म में कितना मायने रखता है। मुझे जब पता चला मुझे यह आना, मुझे 2 सेकंड नहीं लगा हाँ कहने के लिए, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मुझे मौका मिलता है इधर आने का। और मैंने बल्कि सबसे कहा था कि मुझे एक वॉलीबॉल गेम भी खेलना है। आई होप आप लोग सब रहेंगे देखने के लिए। बस यही मैं कहूंगा कि मेरे और मेरे इंडस्ट्री की तरफ से, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से आप सबको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा।